हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को BGMI में फ्री में रीनेम कार्ड रिडीम करना बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग भी BGMI में फ्री में रीनेम कार्ड लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो BGMI में रीनेम कार्ड रिडीम करने का पहला तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूं। जी हां दोस्तों, जो कि फ्री तो नहीं है, लेकिन ये दोस्तों इसकी मदद से भी आप लोग रीनेम कार्ड को रिडीम कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, मैं फ्री वाला तरीका भी आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये बता देता हूं। तो उसके लिए दोस्तों आपको शॉप पर क्लिक करना है। जी हां दोस्तों, शॉप पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि रिडीम, आउटफिट्स, वेपन्स, व्हीकल्स, ट्रीजर्स। तो आपको ट्रीजर्स पर क्लिक करना है। ट्रीजर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग स्क्रॉल करोगे थोड़ा सा नीचे, तो आपको यहाँ पे रीनेम आईडी कार्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इसे रिडीम करने के लिए दोस्तों आपको 180 यूसी पे करने होंगे, तब आप लोग दोस्तों इसे परचेस कर सकते हो या रिडीम कर सकते हो। तो ये तो हो गया दोस्तों, जिसके पास यूसी है वो यहाँ से खरीद सकता है ईजिली, लेकिन हम लोग दोस्तों हैं फ्री वाले, तो हम लोग फ्री में इसे रिडीम करना सीखेंगे। तो फ्री में रिडीम करने के लिए दोस्तों आप लोगों को सिंपली से यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों को अपनी आईडी को कम से कम 8 दिनों के लिए दोस्तों आपको लॉग आउट कर देना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग ज़्यादा BGMI खेलना पसंद करते हैं तो 8 दिनों के लिए आप लोग अपने फ्रेंड की आईडी को लॉगिन करके यहाँ पे खेल सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आप लोगों को फ्री में रीनेम कार्ड लेना है तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना होगा, और आप लोगों को 8 दिनों के लिए आप लोगों को अपनी आईडी को दोस्तों यहाँ पर लॉग आउट कर देना है, ठीक है। और लॉग आउट करने के बाद जैसे ही 8 दिनों के बाद आप लोग दोस्तों अपना अकाउंट से लॉग इन करोगे BGMI में, फिर आप लोगों को यहाँ पे एक बॉक्स, गिफ्ट बॉक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पे सिंपली से क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों को रिटर्न ए डे साइन इन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे डे वन में ही दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हो यहाँ पे दोस्तों रीनेम आईडी कार्ड आप लोग रिडीम कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको रिडीम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, रीनेम आईडी कार्ड हमारा रिडीम हो चुका है, वो भी बिल्कुल ही फ्री में। बस आप लोगों को थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना होगा, 8 दिनों के लिए आपको दोस्तों BGMI से दूर हो जाना है। और आप लोग फिर भी BGMI खेलना चाहते हो तो अपने फ्रेंड की आईडी को यहाँ पे मांग करके आप लोग खेल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को अब इन्वेंटरी में जाके दिखा देता हूँ कि मेरा यहाँ पे जो रीनेम आईडी कार्ड है वो रिडीम हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे अभी मैं फ़िलहाल इन्वेंटरी में आ चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों हमारा रीनेम कार्ड है। दोस्तों इसका जो टाइम पीरियड है वो 30 दिनों के लिए हमारा एक्टिव रहेगा, फिर दोस्तों ये एक्सपायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे न्यू है दोस्तों, ये रीनेम कार्ड हमने अभी तुरंत क्लेम किया है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग BGMI में फ्री में रीनेम कार्ड को क्लेम या रिडीम कर सकते हो। तो दोस्तों यही था आज का हमारा वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।